जय हिंद वंदे मातरम साथियों। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गांव एंचोली के रहने वाले आईटीपीपी के जवान रोहिता सोबिष्ट का पार्थिव शरीर कल तिरंगे में लिपटकर उनके निवास स्थान पहुंचा, जहां पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि वे अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, वहीं उनकी उम्र महज 24 वर्ष थी। वे आईटीपीपी के जवान थे और वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। परिवार के इकलौते बेटे की शहादत की खबर से जहां उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही सेना के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सड़क के दोनों ओर खड़े स्थानीय लोगों ने शहीद के पार्थिव पर पुष्प वर्षा कर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के रावल गांव जागपुरा निवासी रोहिता सोबिष्ट आईटीपीपी में कार्यरत थे। वर्तमान में उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में भारत चीन बॉर्डर पर थी। वहीं आईटीपीपी की 9वीं बटालियन के वे जवान थे। बताया गया कि बीते दिनों पेट्रोलिंग के दौरान पैर फिसलने से वे नदी में समा गए, तभी से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था, जिसकी खबर आईटीपीपी के अधिकारियों को रोहितास के लापता होने की खबर उसके परिवार को दे दी गई। वहीं बीते सोमवार को आईटीपीपी के अधिकारियों की ओर से रोहितास की खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां रोहितास का पार्थिव शरीर बरामद हो गया, जिसकी खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि शहीद जवान रोहिता सोबिष्ट वर्ष 2021 में आईटीपीपी में भर्ती हुए थे। तदुपरांत 21 अप्रैल 2022 को सेंट्रल कॉलेज अलवर राजस्थान में उनकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी हुई। वहीं रोहितास का परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ शहर के एंचोली गांव में रहता है। रोहितास के भर्ती होने से पहले उनके पिता जितेंद्र सिंह बिष्ट एंचोली में ही दुकान चला रहे थे। जैसे ही शहादत की खबर मिली तो हर किसी की आंख नम हो गई। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर देख हर किसी की आंख नम हो गई तो शहीद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मां भारती के लाल के चरणों में अप्रसम यूट्यूब चैनल कोटि कोटि नमन करता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए शहीद परिजनों विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। मां भारती के लाल ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। शहीद जवान के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। शहीद रोहिता सोबिष्ट आईटीपीपी के 9वीं बटालियन के जवान थे। वे वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे, भारत चीन सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे और वहीं पेट्रोलिंग के दौरान उनका पैर फिसल गया, जिससे वे नदी में समा गए। वहीं चार दिन बाद इनकी पार्थिव देह बरामद हुई तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जवान के शिव चरणों में अपर असम यूट्यूब चैनल कोटि कोटि नमन करता है। वहीं कल इनकी पार्थिव देह इनके पैतृक गांव पहुंचाई गई, जहां पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी गई। मां भारती के लाल के शिव चरणों में अपर असम यूट्यूब चैनल कोटि कोटि नमन करता है।